हेलो फ्रेंड आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा आठ का संसाधन एवं विकास ठीक है अध्याय छ मानव संसाधन ठीक है चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और ठीक है फ्रेंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा ठीक है और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है स्वस्थ शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है अपने शैक्षिक स्तर आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं हाँ, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है उन्नीस में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं ठीक है अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है अपने शैक्षिक स्तर आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं तो मेरे विद्यालय में पाँच बच्चे हैं यहाँ पे ये कह रही हैं मेरे गांव में एक हज़ार लोग हैं आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं मेरी कक्षा में तीस बच्चे हैं विश्व में लगभग छः दसमलव छः अरब लोग हैं एक अरब में कितने शून्य होते हैं इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे तो आप क्या जान, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पी के वी आई को 2015 में एक करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योगिता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं विश्व की जनसंख्या का 90 प्रतिशत से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30 प्रतिशत भाग पर निवास करता है विश्व में जनसंख्या भाग विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है कुछ क्षेत्र में बहुत घने बसे हैं और कुछ बिरल बसे क्षेत्र हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं उच्च अच, अच, अच्छासी क्षेत्रों ठीक है उषले कटिबंधी मरुअसलों उच्च पर्वतों और विषुवत वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं विश्वगत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा दो केहाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं विश्व के साठ प्रतिशत लोग केवल इस दस देशों में रहते हैं इन सभी देशों में दस करोड़ से अधिक लोग रहते हैं एशिया में रहते हैं यूरोप में रहते हैं अफ्रीका में रहते हैं मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं उत्तर अमेरिका ओसून एशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं क्या जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व तीन सौ बयासी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी प्रِ, पृष्ठ के एक इकाई एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है विश्व संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व इक्यावन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो दक्षिण एशिया में है इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है जब कक्षा के पूरे तीस विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कच्छ खुला और खाली दिखाई पड़ता है क्यों क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक स्थलाकृति लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि इंडीज आलपस और हिमालय जैसे पर्वत बसे हुए हैं। है। जलवायु लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल रूस के ध्रुव प्रदेश कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं मृदा है। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि तो प्रदान करती है भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र चीन में हवांग ही चांग जियांग जियांग्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवरी है। जल आसानी से उपलब्ध होते हैं विश्व की नदी घाटियों घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल स्थल बिरल जनसंख्या वाले हैं खनिज खनिजेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं दक्षिण अमेरिका की हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते आर्थिक कारक यह है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं लोग बड़ी संख्या में लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों को आकर्षित होते हैं जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं जैसे बनारसी वाराणसी एरूशलम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं सामाजिक कारण अच्छे आवास शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे उदाहरण के लिए पूरे जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है यह कई गुना बढ़ गई है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण है मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है बड़ी जन बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थीं सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी सन 1804 में विश्व की जनसंख्या एक अरब हो गई थी एक वर्षों बाद उन्नीस में विश्व जनसंख्या तीन अरब पहुंच गई इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं १९९९ में तीस वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी छ अरब हो गई इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आका जाता है जन्म दर अर्थात प्रति एक हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है मृत्यु दर को प्रति एक हजार व्यक्तियों द्वारा मृतकों की संख्या में मापा जाता है किसी क्षेत्र में विशेष लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक उदाहरण हैं कारण हैं प्राकृतिक कारण हैं एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं विश्व में विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है आप प्रवास का मतलब क्या होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है उत्प्रवास बोलते हैं प्रवास एक अन्य कारण है जिसके जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है लोग एक देश में अथवा दूसरे अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं आप प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप प्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने और उत्तर प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी अनुभव किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों में अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व के लगभग अलग अलग हैं यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है उन देशों में जन्म और मृत्यु पर दोनों ही उच्च हैं हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के में सुधार के साथ मृत्यु दर दर कम हो गई है परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है संग जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या इतनी भी अधिक हो उसका उस देश की आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बने देश हैं लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है लोग अपनी आयु लिंग साक्षरता स्तर स्वास्थ्य दशाओं व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है सोचे प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है कहानी सुनाती हूँ मैं विवाह समारोह में गाता हूँ मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रही हूँ मैं सेतु बनाता हूँ मैं घर की देखभाल करता हूँ मैं किसान हूँ जनसंख्या संगठन हमारी यह जाने की सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं वे किस आयु वर्ग के हैं कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं उसकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है उदाहरण पाँच से नौ वर्ष दस से चौदह वर्ष कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियॉँ उप विभाजित हैं जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है बच्चों की संख्या पंद्रह वर्ष से नीचे भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है ऊपर का आकार वृद्ध लोगों से पैंसठ से अधिक की जनसंख्या दर्शाता है मृतकों की संख्या को दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है युवा आश्रित लोग पंद्रह से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग पैंसठ से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं कार्यरत आयु वर्ग पंद्रह से पैंसठ के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो जा पाते हैं इसलिए वहाँ वृद्ध लोगों बहुत कम है इस स्थिति की कन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है जिन देशों में मृत्यु दर रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है युवा आयु वर्ग के पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है कम जन कम जन दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संक्रा है घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक तो पहुंच जाते हैं कुशल उत्साही आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए कुशल बनाने अवसर बनाने प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए अब हम लोग जरा अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी लोगों को एक एक संसाधन क्यों समझा जाता है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है तो लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा कृति में, प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करता है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? तो भौगोलिक कारक हमें भौगोलिक कारक इसमें स्थलाकृतिक जलवायु मृदा जल तथा खनिज आदि शामिल हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं आर्थिक विश्व ठीक है आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं अतः बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों में आकर बसते हैं सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं सामाजिक कारक अच्छे आवास शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों तो विश्व की जनसंख्या वृद्धि के कारण यह है कि मृत्यु दर में कमी खाद्य आपूर्ति में सुधार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्राकृतिक विधि प्रवास ठीक है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों दो कारको, का दो कारकों कारकों भूमिका का की भूमिका का वर्णन कीजिए तो तो जनसंख्या 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 प्रभावित करने प्रभावित परिवर्तन को प्रभावित करने के करने वाले कारक हैं जन्म दर जिसे प्रति एक हज़ार व्यक्ति पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है मृत्यु दर जिसे एक हज़ार व्यक्ति पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्ति की संख्या के रूप में मापा जाता है जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है तो जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास थ संरचना है जिन जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं जैसे आयु लिंग अनुपात साक्षरता स्तर स्वास्थ्य दशाएं व्यवसाय आय व्यय स्तर आदि जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड है जनसंख्या पिरामिड क्या है ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करती है तो यह जनसंख्या के सांख्यिकी प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की एक विधि है यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है इससे कुल जनसंख्या में से लैंगिक प्रतिशत की ज्ञात किया जा सकता है जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दिखाता है यह देश की आश्रित एवं क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है जनसंख्या वितरण सबसे क्या तात्पर्य है ठीक है तो किसी विशिष्ट कह है किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या किसी दिए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं तो किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में विपरीत हैं तो ये है ग वे तीन मुख्य कारण कौन से हैं जिनमें संख्या में परिवर्तन होता है तो जन्म मृत्यु और प्रवास 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई कितना हो गई छ अरब जनसंख्या पिरामिड क्या है तो जनसंख्या जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का लेखीय निरूपण है विरल अनुकूल विरल अनुकूल प्रति कृत्रिम और उर्वर उर्वर प्राकृतिक चरम घना लो, जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह तब यह घना बसा हुआ बन जाता है घना इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल जलवायु अनुकूल रहेगा अनुकूल अनुकूल जलवायु प्राकृतिक संसाधनों यहाँ प्राकृतिक रहेगा प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं जिस समाज में पंद्रह वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं और पंद्रह वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो तो विद्यालय की आवश्यकता पेंशन स्कीम शिक्षक खिलौने पहिएदार कुर्सी श्रम आपूर्ति अस्पताल ए तो, तो पंद्रह वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं विद्यालय की आवश्यकता आवश्यकता अधिक क्यों की बच्चे अधिक हैं शिक्षक है, की अधिक आवश्यकता है खिलौने की अधिक आवश्यकता है अस्पताल की कम आवश्यकता है पहिएदार कुर्सी की कम आवश्यकता है पेंशन स्कीम की कम आवश्यकता है श्रम आपूर्ति कम और पंद्रह वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग समाज की बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी इसलिए विद्यालय और शिक्षकों की कम आवश्यकता होगी पेंशन स्कीम की अधिक आवश्यकता खिलौने की कम आवश्यकता पहिएदार कुर्सी की अधिक आवश्यकता पूर्ति अधिक अस्पताल की आवश्यकता तो फ्रेंड वीडियो हुआ समाप्त तो हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा और जो नए वीडियो रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज फ्रेंड प्लीज़ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड